चीख कर बोला कि लोगों जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जाने जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत है। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। अबे जब रोटी दूर से दिख जाती है तो उसको खाने की क्या जरूरत है, देख के पेट भर लिया करो। अरे तो एल लग गए। चाहे लो, जब चांद इनको जमीन से दिख जाता तो चांद पे जाने की क्या जरूरत है। वाह, ये कहना पाकिस्तान के फॉर्मर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का। हमने यार बताया, यहाँ पे एक नई इनोवेशन किया जो भी और किसी मुल्क में नहीं हुई। हमने ऐप बना दी है जिसमें आप मोबाइल पे जाके चांद खुद भी देख सकेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो देयर विल बी एन ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले वगैरह के ऊपर होगी जो आप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आप देख सकेंगे कि आज चांद कैसा नजर आ रहा है। क्या अबे तू थोड़ा सा आ क्या? पाकिस्तानियों को अल्लाह हिदायत दे यार, कुछ प्रोपेगेंडा किया करो, थोड़ा सोच समझ। अब ऐसे पाकिस्तान में मिनिस्टर होंगे तो पाकिस्तान का तो फिर भगवान ही मालिक है। तब्दीली आ गई, लेकिन पाकिस्तानी कम नहीं है। भारत ने चंद्रयान भेजा ना तो पाकिस्तानियों ने भी अपना यान बना लिया है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब पाकिस्तान इस्लामी जमहूरी मुल्क है और इस्लाम और साइंस का तो 36 का आंकड़ा है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो ऐसे रॉकेट बनेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अभी से कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अगर पाकिस्तान में या कहीं पे भी हमें ज़मीन पे खड़े होकर दूर चांद नज़र आ सकता है तो हमें चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है, मिशन मून की क्या ज़रूरत है। ये उन्होंने तंज किया था। अभी जब इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है मिशन मून को लेकर, तो वहीं पाकिस्तान से भी एक वीडियो वायरल होती नज़र आ रही है मिशन मून के हवाले से। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर अगर ऐसी स्टेटमेंट देंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से, मिशन मून के हवाले से, तो क्या ये पाकिस्तान में आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी के लिए बेहतर होगी। अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम इस मुद्दे पे बोलती क्या है, क्या वो फवाद चौधरी के स्टेटमेंट के साथ खड़ी है या अलग है। मेरे को कुछ नहीं पता, पुलिस पता लगा। लेकिन ये तो रहेगा पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी मनोरंजन ना करे हिंदुस्तानियों को कैसे हो सकता है। तो चलते पाकिस्तान। अच्छा मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, एक तो है नीरा जाहिल और एक थोड़ा सा समझदार, दोनों भिड़ पड़े तो पाकिस्तान के लिए काम करने की ख्वाहिश हो। पाकिस्तान के लिए तो सर जब आगे बढ़ने दोगे तो काम करेंगे ना। अब हर इंसान को सुबह अगर 10 बजे घर से निकलते हैं, रात को ये सोचते हैं कि 2000 रुपए जेब में लेके जाना है, जेब में पड़ा हुआ 100 रुपए, घर पे जाते हैं, माँ पूछे, बीवी पूछे, कोई भी पूछे, बंदा क्या बोलेगा? मर्द अपना मर्द ऐसे नजर कर लेगा। अब मर्द औरत को क्या समझा सकता है कि बाहर के हालात क्या है। ऐसे ही है, बिजली के बिल तो देने ही देने हैं, स्कूल के बच्चों की फीस देनी देनी है। जस्ट अभी की बात, एक फकीर आया मेरे पास, यहीं से मैं खड़ा था, यकीन मानोगे उसके आंख से आंसू निकल रहा था। 8700 कुछ रुपए का बैलेंस है, बिल आया, बिल है, ठीक है। वो गया के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के अंदर, उन्होंने बोला सर मेरे घर के अंदर आ गया, आप तलाशी ले लें, मेरा पंखा इतना नहीं है, ना मेरा इतना कोई एक सेवर एक पंखा है, मैं 8000 रुपए कैसे भरूं। तो उसके मुआयना ने क्या बोला, वहाँ के इलेक्ट्रिक ने बोला आपको भरना है, जो आ गया वो बस देना है, गलत आया तो ये माफिया बना दिया है ना। ठीक है, इसी वजह से किसी गरीब का पेट का हक नहीं मारो ना, किसी गरीब के अंदर से ये तो सोचो कि कोई गरीब है बेचारा, वो कैसे मांग रहा है, एक फकीर आदमी भीख मांगने वाला बंदा। सही उसकी है, ये हालत है, 8000 रुपए कैसे भरेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा आपका नाम क्या है? रजा। रजा साहब क्या करते हैं आप? उधर उधर देखिएगा जी। मैं एक वर्कर हूँ, सोशल वर्कर हूँ। ठीक है, सोशल वर्कर है, जबरदस्त। किस हवाले से काम करते हैं आप? मैं दुनिया की जैसे ये बातें करते हैं कि महंगाई होगी, कोई महंगाई नहीं। वाह 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 वाह, ये है सच्चा पाकिस्तानी। ठीक है, महंगाई सिर्फ अखराजात हमारे ज्यादा है। चले जी, हमने एक सुनो, हम जिंदगी में जब हमारी स्टूडेंट था ना, हमारे पास 4 जोड़े होते थे, अब हमारे पास कितने हैं? 45 जोड़े। कौन से चुरा के लाए बे? नहीं, टेक्नोलॉजी के, टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात करें, सॉरी, हमारी अखराजात ज्यादा है। ठीक है, हमने कभी दही नहीं खाया,
ठीक है, लेकिन हम हर घर के लोग दही खाते हैं। शोएब भाई पहले इसको दही खिलाओ ले जाके। नहीं, वो बात छोड़े, मैं टेक्नोलॉजी ये कहते हैं, इन्होंने बोला हमने अपने अखराजात ज्यादा कर दिए हैं, इस वजह से ये सिचुएशन है। महंगाई नहीं है सर, महंगाई क्यों नहीं है? नहीं, आप मुझे एक बात बताएं। चले मैं बट आपकी सॉरी के बात से आपको बात करता हूं, तो सुनते हैं ना कि महंगाई क्यों नहीं है। एक रोटी जो हमारे को 5 से 10 रुपए में मिलता था, हाँ। आज वो रोटी 25 रुपए में क्यों चला गया? खाते वैसे आप गूंद के आटा पका के खाओ तो आटा कितने रुपए किलो जाऊंगा तो कितने 160 रुपए आटा है, तो वो कितनी रोटियां बनेगी एक आटे में? उसमें 8 बन जाती है, 8 बन जाएगी, गैस भी लगेगी, ठीक है, मेहनत भी लगेगी। सुबह उठो ना, क्यों देर से उठते हो? जब पाकिस्तान के अंदर गैस ही ना आए तो आप कैसे महंगाई नहीं कह रहे हो? टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कैसा चल रहा है? मतलब सबसे दुनिया में सबसे आगे है टेक्नोलॉजी में, सबसे आगे। हम मेहनत करें, ठीक है। मिशन मून दुनिया के दूसरे कंट्री में मून के ऊपर जाने की कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान का सब वीडियो वायरल है। सॉरी, क्या नाम है आपका? सुहेब। सुहेब जी, सुहेब साहब, बात यह है कि दुनिया में सबसे अमीर हम है। अगर आज ग्वादर चल जाए तो दुनिया के जूता भी न मारे हम। सर ग्वादर जब चलने ही नहीं देगा तो पाकिस्तान में कैसे चलेगा? कितने टाइम से हम सुन रहे हैं ग्वादर नहीं चलेगा, ये 2024 में चलेगा। 2024 में इनकी बात भी सुन रहा हूँ, जैसा बात कर रहे हैं, जब हमारे केमारी का जो पोर्ट था आज वो पोर्ट खत्म हो गया तो आप ग्वादर की कैसे बात कर रहे हो? चलेगा, जरूर चलेगा, चलेगा। 2000 कैसे, अभी क्यों नहीं काम हो रहा उसके ऊपर, ग्वादर के ऊपर अभी क्यों नहीं काम हो रहा? ग्वादर पे इसलिए काम आ रहा है कि हम अपनी कश्म कश्म है, ठीक है, हम जीने नहीं देते एक दूसरे की टांगे खींचते, इसलिए ग्वादर नहीं चल रहा हमारे। इसका मतलब हुक्मरानों की कोई गलती नहीं है, पब्लिक की गलती, पब्लिक की गलती है। अबे भाई, पब्लिक का कहां से गलती है? पब्लिक का गलती हो ही नहीं सकते, पब्लिक की गलती है भैया। और सबसे बड़ी गलती ये पब्लिक की कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम गलत खित्ते में पैदा हो गए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सही बोल रहा है, पब्लिक की गलती है। आप कह रहे हैं कि महंगाई भी नहीं है, सही है ना, महंगाई हमने किया है। सर आप देखें, आप तो इंटरनेशनल लेवल पे देखें, दुनिया कितनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ, एजुकेशन सिस्टम कितनी है। आपके बच्चे कितने? मेरे बच्चे 4 है। 4 है, 4 बच्चों को पाल सक रहे इस दौर में? कितनी सैलरी है? मेरे को 85 दे रहे हैं। 85 सैलरी है। गवर्नमेंट मुलाजिम है? नहीं, सेमी गवर्नमेंट। सेमी हो ना, अगर एक बंदा नौकरी करने वाला है जिसने रात को 700 रुपए कमा के जाना, उसने अपने पेट को कैसे पालेगा? ऐसे ही है। आप इसकी ये कारोबार है ना आपका? हाँ, ये मेरी अपनी है। ये सर, तो यकीन माने, ये कितने की, ये कितने का है? ये 1500। एक मिनट, 2000 रुपए का है। मैं आपसे कहता हूँ, जस्ट ठीक है, आपको देता है ना आप, किस तरीके से मालिक दे ही नहीं आ रहा। 25,000 सेकंड, अभी मैं इनकी 85 नहीं, आप जस्ट बात करके जाए। नहीं नहीं, देखिए आप सेमी गवर्नमेंट मुलाजिम है, सॉरी कर रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हाँ, और आप लोग भी इन पाकिस्तानियों को कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आप ही का है। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।